नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। सर्वप्रथम आप सभी को मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। वैसे तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे व्यक्ति खुद की मर्जी से चुनता है। आज फ्रेंडशिप डे पर हमने लोगों से बात की, परंतु कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल के चलते लोगों की भीड़ कम दिखाई दी। हर जगह शहर में पुलिस बंदोबस्त देखने को मिला। दर्शकों, जैसा कि आज है फ्रेंडशिप डे, और फ्रेंडशिप डे पर हर जगह हम देखते आ रहे हैं कि कहीं भी दोस्त लोग दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। बंदोबस्त में हम आज सीनियर ऑफिसर से जानते हैं क्या बंदोबस्त है फ्रेंडशिप डे पर। जी, आज फ्रेंडशिप डे पर हमारा यहाँ पर फुटारा पे बंदोबस्त लगा हुआ है। लोगों की आवाजाही जो है वो बहुत बढ़ जाती है आज के दिन, इसके वजह से हमारा यहाँ पर बंदोबस्त लगा है। लेकिन लॉकडाउन के वजह से हम लोगों को यहाँ पर आने के लिए मना कर रहे हैं, और यही लोगों से कहना चाहेंगे कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। सर, पर फ्रेंडशिप डे पर कम से कम थोड़ा रिलैक्स देना था, आज संडे, वैसे थोड़ा रिलैक्स देना था। जी, यह शासन के निर्णय के अनुसार हमको काम करना पड़ता है और हमारे को हमारी ड्यूटी निभाना पड़ता है, तो जो उनके गाइडलाइन मिलेंगी हम उसको पालन करते हुए अपनी ड्यूटी करेंगे, और लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग यहाँ पर कम आइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि फुटारा में हमेशा भीड़ दिखती है, तो आज पुलिस की गाड़ी और आप लोग को देखकर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे खाली सुनसान पड़ा हुआ है। तो आप लोग को आप फ्रेंडशिप डे के बारे में बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? फ्रेंडशिप क्या है, दोस्ती क्या है? दोस्ती तो बहुत पवित्र रिश्ता है, बहुत अच्छी बात है, और सबके दोस्त रहते हैं, सब दोस्त के एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन अब व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया के जरिए ही लोग आजकल एक दूसरे से मिल ले रहे हैं। जो अभी कोविड का माहौल चल रहा है, कई दोस्त जो हमारे हैं, स्कूल के सहपाठी है, डिपार्टमेंट के जो मित्रगण हैं, वो सब काफ़ी दूर है। हमको भी लगता है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके जरिए हम अपने फ्रेंडशिप डे मना ले रहे हैं। धन्यवाद सर। आप ये और एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि दोस्ती के आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है, मतलब परिभाषा क्या है कि दोस्ती क्या होती है? दोस्ती बोले तो एक दूसरे के लिए दिल जान कुर्बान कर देना। हाँ, बताएंगे फ्रेंडशिप डे पे आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, आप क्या बताएंगे? मैं संगीता शेंडे बोल रही हूँ। हाँ, और मैं मेरे फ्रेंड को हैप्पी फ्रेंडशिप डे इसका संदेश दे रही हूँ, और मेरी खास फ्रेंड है गीता आगाशे, और सब पूरे फैमिली को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और सब नागपुर वासियों को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और सब मेरी फ्रेंड्स लोगों को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जितने थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नई पीढ़ी से थोड़ा बात करेंगे, देखते हैं नई पीढ़ी क्या बोलती है दोस्ती के बारे में। हाँ, आप अपना नाम बताइए, और आप फ्रेंडशिप डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या कर रहे हैं सेलिब्रेट या नहीं? फ्रेंडशिप डे तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए, सबने करना चाहिए। मेरा नाम भूषण भूतमांगे। तो अभी जरा कोरोना के चलते सबने कोरोना की जो ये दिए अपने रिस्ट्रिक्शन, उसको पालते हुए सबने फ्रेंडशिप डे मनाना चाहिए। बस यही है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ दोस्तों के साथ मस्ती नहीं कर पाए आज, तो फिर आज का दिन आपको मिस नहीं हो रहा है कि आपने मिस कर दिया फ्रेंडशिप डे? अगली बार मना लेंगे ना मैम, अगर कोरोना हो गया तो फिर बहुत अच्छी, एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे ना मैम, फिर वही रेस्ट इन पीस वाला काम हो जाएगा, इससे अच्छा अगली बार मनाएंगे बोला। हमने जो फ्रेंडशिप डे ऑनलाइन ही बना ली, फेसबुक ऑनलाइन। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी है भाई, आजकल हम ऑनलाइन फ्रेंडशिप डे भी मनाते हैं, तो बताएंगे कैसे मनाया? कुछ नहीं, सब फ्रेंड को मैसेज कर दिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे करके सबको स्टोरी सोशल मीडिया के थ्रू आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंशन कर दिए सबको। सब आप बताओ कि दोस्ती को आप क्या समझते हो, दोस्ती क्या होती है? दोस्ती एक टाइम पे ऐसा बोलेंगे कि क्या बोले, शब्द नहीं है दोस्ती के लिए। दोस्ती ऐसी चीज़ है कि वो जिसको समझ आए उसी को काम की है। दोस्ती ऐसा है कि मैडम, एक टाइम पे अपने रिलेटिव काम नहीं आते, अपने जो चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है अपन घर के लोगों को नहीं बता सकते, अपने रिलेटिव्स में शेयर नहीं करते, पर दोस्त अपने जो रहते हैं वो हर वक्त काम आते हैं, और दोस्त लोग के साथ अपन शेयर करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं, सही चीज़ रहो गलत चीज़ रहो, हर वक्त दोस्त लोग साथ देते हैं, साथ भी देते हैं और सोल्यूशन भी बताते हैं कभी कभी प्रॉब्लम होने पर। पेपर में भी सोल्यूशन बताते ना मैडम। अच्छा, ओके।
तो ये पेपर में सोल्यूशन बताने वाली दोस्ती मानते हैं आप? हाँ, असल दोस्ती इसको बोलते हैं या और क्या? हर टाइप की दोस्ती है, काम पड़ता है उसको दोस्ती होती है। जरूरत तो पेपर में भी होती है मैम, हमारे दोस्त ऐसे जो पेपर में भी काम आते हैं और ऐसे रियल टाइम में भी काम आने वाले दोस्त है हमारे, हमारे दोस्त बहुत बड़े हैं। तो आज आपके दोस्त तो साथ में है नहीं, मतलब मजा नहीं आ रहा होगा? नहीं, कोरोना चालू है ना अभी, कोरोना लॉकडाउन के वजह से आप लोग ने नहीं, तो यहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे होते इस वक्त? अगले साल मनाएंगे। आपका नाम क्या है? मनीष हाड़की ने, पिछली बार भी सेलिब्रेट नहीं हो पाया कोविड के वजह से। अभी आप क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था, 12 में था, अभी 12 का रिजल्ट लगेगा अभी फिलहाल में, देखते हैं अभी क्या होता, तो कितने परसेंट मिलते कितने नहीं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम बात करते हैं, यहाँ पर आए हैं पुटारा में राहुल जी, राहुल जी से बात करते हैं फ्रेंडशिप डे पर इनकी क्या राय है और जानते हैं इनकी कि ये कोई संदेशा देते हैं फ्रेंडशिप डे पर। सबको नमस्कार, सभी नागपुर वासियों को नमस्कार। हमारे चैनल के माध्यम से आप संदेश दें फ्रेंडशिप डे पर क्या क्या है। मैं राहुल सुरेश राव हरडे, नागपुर का रहवासी, मेरे बेटे के साथ, मेरे परिवार के साथ आज फ्रेंडशिप डे की तरफ ये कोरोना के माहौल में बंधुओं को, भगिनन को, इवन पुलिस कर्मचारी यहाँ पे, उनको भी फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके वार्ताहर को, पत्रकार को, सभी मित्रों को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बस इतना उम्मीद है कि सबको सुखी रखे और ये पैंडेमिक सिचुएशन से हम निकले और सब आनंदी रहे, ये सबके लिए मेरी दुआएं है, सच्चे दिल से दुआ है। बस धन्यवाद। तो आप नहीं, आप दोस्ती कैसे, आप कैसे दोस्ती को डिफाइन कर सकते हैं ये तो बताइए। आज तो फ्रेंडशिप, शुरुआत में जैसा बच्चा पैदा होता है वैसे पहले दोस्त है माँ बाप, उनके साथ जिंदगी भर का रिश्ता है। दूसरे दोस्त है जो अपने दोस्त रहते, गुरु भी दोस्त हो सकते, अपने दोस्त भाई बहन भी दोस्त हो सकते हैं, और जो अपने क्लास में पढ़ते हैं, जो मित्र परिचित है, सब अपने दोस्त हो सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, हम लोग आज फ्रेंडशिप डे है और फ्रेंडशिप डे के लिए हम लोग आज जो फ्रेंड सर्कल, जो फ्रेंडशिप मनाने के लिए फुटाला जो तालाब है, ये नागपुर की काफ़ी प्रचलित जगह है और इस जगह पर काफ़ी लोग आते हैं फ्रेंडशिप के, अपने फ्रेंड के साथ में घूमने फिरने के लिए। तो आज हम जैसे भी इस जगह पहुँचे हैं तो हमें एक सन्नी ठाकुर, यह इनका गैस के जो बलून होते हैं उनका कारोबार है, और उनसे हम जानेंगे कि उनका ये जो गैस बलून का जो कारोबार है किस तरीके का उनका ये कारोबार अभी चौपट होते आया हुआ है और किस तरीके से उनको रोज़गार की क्या क्या समस्या, कोविड 19 के जो दौर चल रहा है उसमें क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे। बताइए सन्नी जी, क्या क्या आपको समस्या का ये करना पड़ रहा है? हाँ सर, एक तो ये कोरोना है, हाँ। और दूसरा फिर ये पुलिस वाले है, हाँ। धंधा कहीं करने नहीं देते अपने, हाँ। को, हाँ। तो इस वजह से पूरा चौपट हो गया धंधा अपना। अच्छा, हाँ। तो फिर अभी आप जैसे जो होटल वगैरह वाले हैं जो होम डिलीवरी वगैरह करते हैं, तो वो कैसा है ना, आप करते हैं बलून वगैरह की? करते ना बलून डेकोरेशन पूरा, होम डिलीवरी करते हैं अपन, लगे तो आप नंबर भी ले सकते हो मेरा। अच्छा जी, तो दर्शकों अभी जो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप ये सन्नी ठाकुर से मिलकर फ़ोन पर संपर्क करके इनके बलून का जो कारोबार है इसे होम डिलीवरी में भी आप इनको अवेलेबल कर सकते हैं। हम लोग फुटाला तालाब पर आए हुए हैं और लगभग यहाँ जैसा आप अभी कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो कोविड 19 के जो महामारी का दौर चल रहा है, और आज संडे का दिन है और संडे के दिन लगभग यहाँ जो फुटाला तालाब पर यानी जो पब्लिक है, आम पब्लिक, उसके लिए लॉकडाउन रखा गया है, और वो लॉकडाउन रहने के बावजूद लोग आ रहे हैं और उनको पुलिस प्रशासन यहाँ से लगभग दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, घर जाने की उनको बोला जा रहा है, ताकि कोविड महामारी जो फ्रेंडशिप डे है उसमें कोविड महामारी का संक्रमण फैल ना जाए, इसीलिए वो पुलिस प्रशासन बहुत काफ़ी प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग ये संक्रमण से दूर रह पाए, और जो भी उनका जो फ्रेंडशिप डे मनाना है वो उन्होंने अपने घर पर या अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से उन्होंने वो मनाना है, ऐसा उन्होंने उनका कहना है। लगभग ये जो सारा मामला है, यह पूरा जो मामला है, ये काफ़ी लोगों को जागरूक करने वाला मामला है और इस संक्रमण से बचाने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, और लगभग अभी आप जैसे देख रहे हैं कि सारे लोगों को हटाया जा रहा है, और ये हटाने की वजह भी यह है कि लोग संक्रमित ना हो,
इसी वजह से यह सारा पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है ताकि लोगों को यह महामारी जो है, यह महामारी का जो तीसरी लहर है वो नागपुर शहर में न आ पाए, इसीलिए यह प्रयास किए जा रहे हैं।